नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं जेजेएन की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। इस वक्त टीम की मौजूदगी कार्गोडाउन स्टेशन में मौजूद है। यहां मौजूद होने का कारण है, जिस प्रकार से लगातार हम आपको अपडेट देते रहे हैं कि इस प्रकार से अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत किस प्रकार से कार्गोडाउन के रेलवे स्टेशन का कायाकल्प है वो होने जा रहा है। जब इसका जो प्रस्ताव पारित हुआ तब भी हमने आपको खबर दिखाई थी, उसके बाद जिस प्रकार से कार्य होता रहा हम आपको लगातार इसके संबंध में अपडेट देते रहे। और अब एक बड़ा अपडेट ये भी सामने आया इसमें कि जो सीढ़ियाँ जिस प्रकार से अभी मैं इस स्कूल में मौजूद हूँ, जो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने के लिए अमूमन रेलवे स्टेशन में देखने को मिलती है, लेकिन जिस प्रकार से अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत 15 करोड़ की लागत के साथ पूरे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है और ऐसे में अब यहाँ पे लिफ्ट भी लगाई जानी है। जी हाँ, उसका जो फाउंडेशन है, उसका जो कार्य है वो शुरू हो चुका है। तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊं तो आप मेरे ठीक नीचे देख सकते हैं कि इस प्रकार से यह ऐसे आसार हैं कि वो उसका जो फाउंडेशन है वो हो सकता है। हालांकि फ़िलहाल अभी हमें यहाँ पे मौके में कोई अधिकारी नहीं मिला है अभी तक जिससे हम डिटेल में बातचीत कर सकें, लेकिन जिस प्रकार से खबरें सामने आई है उसके तहत यहाँ पे जो लिफ्ट है, एक्सेलेटर है, वो लगाए जाने हैं एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में आने के लिए। ऐसे में राहत मिलने के आसार है यात्रियों को, कहीं ना कहीं सुविधा यात्रियों के लिए हो जाती है। खासा दिक्कत तो ऐसे रेलवे स्टेशन में एक सीढ़ी एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने को नहीं आती, लेकिन जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनको थोड़ी सी इससे ज़रूर राहत मिलेगी। और जिस प्रकार से कायाकल्प पूरे स्टेशन का किया जा रहा है, 15 करोड़ की लागत इस पूरे कायाकल्प में लग रही है, अपडेट आया था वो आपको दे रहे हैं। बहरहाल स्टेशन में चलते हैं, वहाँ कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, वेटिंग रूम, वॉशरूम वो भी यहाँ पे नए बनने वाले हैं, उनकी तस्वीरें देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया था क्या क्या कार्य कार्गोडाउन में होना है, 15 करोड़ की लागत से जो प्रकार किया जा रहा है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूरा कायाकल्प कार्गोडाउन के स्टेशन में किया जा रहा है। अभी एक वेटिंग रूम में मौजूद है जो अभी निर्माणाधीन है, कार्य लगातार जारी है, लेकिन बेहद खूबसूरत ये वेटिंग रूम लग रहा है। 2 वेटिंग रूम बनने जा रहे हैं, एक महिला के लिए और पुरुषों के लिए। हालांकि हमारे साथ अभी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, किस संबंध में आप यहाँ पे काम कर रहे हैं और किस विभाग से? इलेक्ट्रिकल। आपके क्षेत्र में ये काम संपन्न हो चुका है, कितना देर लगेगा? इलेक्ट्रिकल हमारा संपन्न हो चुका है। और कब तक आसार है कि शुरुआत हो जाएगी इसकी मीटिंग? ये 2-4 दिन में शुरू हो जाना चाहिए, यात्री बैठने शुरू हो जाए। हाँ। और शौचालय वगैरह की व्यवस्था सब है? सब बन गए हैं? सब बन जाएगा, तैयार है, अधिकारी के ऊपर है कब स्टार्ट करें। अच्छा, ये बस तैयार है। और ये सामान पड़ा है, ये कुर्सी मेज वगैरह है? कुर्सी मेज वगैरह, बाकी सारा काम पूरा? हाँ, पूरा हो चुका है। स्टार्ट करना अधिकारी के ऊपर है, स्टार्ट करना अधिकारी के ऊपर। इस प्रकार से बात बता रहे कि स्टार्ट करना अधिकारी के ऊपर है। जतनगर के जो PRO हैं उनकी ओर से भी कहा गया है कि अगले साल की शुरुआत तक सारा कार्य संपन्न हो जाएगा, चाहे वो एक्सेलेटर हो, ये भी बता दूँ लिफ्ट भी यहाँ लगने वाले। इससे पहले मैंने आपको जानकारी दी। बहरहाल आप वेटिंग रूम की तस्वीरें देख लीजिए, क्या किस प्रकार से वेटिंग रूम यहाँ का बनने वाला है, कायाकल्प कार्गोदाम के स्टेशन का होने वाला है। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जानकारी देते हैं, यदि कोई और यहाँ से अधिकारी मिलता है उनसे बातचीत करते हैं। बहरहाल ये इलेक्ट्रिशियन थे, इनकी ओर से कहना है कि सारा काम संपन्न हो चुका है, कुछ काम बाकी है, बस अधिकारी में बचा है कि वो कब बोलते हैं और स्टार्ट यहाँ 2-4 दिन में जो वेटिंग रूम है वो तो कर दिया जाएगा। बहरहाल वॉशरूम भी यहाँ है, तस्वीरें दिखा दूँ मैं कि वॉशरूम किस प्रकार से है, तो तस्वीरें देख लीजिए, अगर आप पसंद होंगे तस्वीरें दिखा दीजिए। इस प्रकार से वॉशरूम है कार्गोडाउन स्टेशन में आपको देखने को मिलेंगे। अब आज से कुछ ही दिनों बाद जब भी अधिकारी इसको खोलने की बात करते हैं, अभी तो हालत बेहद अच्छी है, लेकिन रेलवे स्टेशन में इस प्रकार से शौचालय की व्यवस्था होती है, आप सभी उससे अवगत हैं। आप जो डेलीवेज में यात्राएं करते होंगे रेलवे से, ऐसे में कुछ भी मैं कहूँ वो सही नहीं होगा, लेकिन व्यवस्था किस प्रकार से शौचालय की रहती है, कब तक ये इसी प्रकार से साफ रहेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। कायाकल्प वाकई में हो रहा है, लेकिन कब तक कायाकल्प ऐसे ही बना रहेगा, ये बहुत बड़ी बात है, देखने वाली बात होगी। बहरहाल कुछ और तस्वीरें देखते हैं, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। जिस प्रकार से आपने पूरी रिपोर्ट देखी किस प्रकार से क्या क्या काम अभी यहाँ पे संपन्न हो चुका है, कब तक काम हो जाएगा, उसकी जो जानकारी है वो डिटेल में कोई अधिकारी तो मौके में नहीं मिला। इस प्रकार से इलेक्ट्रिशियन हमें यहाँ पे मिले जो वेटिंग रूम्स वॉशरूम की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो देख रहे हैं, उनका कहना है कि 2-4 दिन में जो ये पूरा जो पूरा वेटिंग रूम है वो बनकर तैयार है। अब पूरा अधिकारी में है कि कब वो इसको खोलने को कहते हैं, बस चेयर्स वगैरह है वो लगानी है जो वेटिंग रूम में अमूमन होती है। इसके अलावा सारा काम जो डेंटिंग पेंटिंग का काम होता है, टाइल्स से लेकर हर काम जो
संपन्न हो चुका है। इलेक्ट्रिसिटी का काम भी एक दो दिन में पूरी तरह संपन्न हो जाएगा। कहने लगे वेटिंग रूम और वॉशरूम पूरे बन के तैयार है, ऐसे में जल्द ही यात्रियों को नए वेटिंग रूम का जो लुत्फ़ उठाने का मौका मिलेगा। बहरहाल जो लिफ्ट की बात मैंने आपको शुरुआती चरण में बताई थी उसकी जो फाउंडेशन है वो अभी पड़ी है और ऐसे में आसार हैं कि अगले साल की शुरुआत तक जो पूरा कायाकल्प स्टेशन का हो जाएगा। इस संबंध में इज्जतनगर के PRO राजेंद्र सिंह ने जानकारी देते बताया कि इस प्रकार से अगले साल की शुरुआत में जो सारा काम संपन्न होने के आसार हैं जताए जा रहे हैं। अब फिर बता दूं ये आसार हैं, जो समय सीमा है वो बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कार्य निरंतर जारी है। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं मेरे ठीक सामने किस प्रकार से जो कार्य है वो लगातार यहाँ पे जारी है और सारा जो कार्य है ये लिफ्ट के संबंध में यहाँ पे किया जा रहा है। एक्सीलेटर यहाँ पे लगने हैं एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने के लिए। जो अभी जानकारी है, जो जानकारी धीरे धीरे सामने आएगी, एक अपडेट आया था आपको देना था, क्या कुछ कायाकल्प है उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। बेहद खूबसूरत वेटिंग रूम बनके तैयार हुआ है, शौचालय बेहद खूबसूरत हैं, जिस प्रकार से अभी उनकी कंडीशन है बेहद अच्छी है, लेकिन आगे कब तक वो इस प्रकार से साफ़ सुथरे रहते हैं ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी हो जाता है। रेलवे स्टेशन में इस प्रकार से बार बार चर्चाएं वॉशरूम से लेके होती हैं कि साफ़ सफाई नहीं है वॉशरूम में, जिस प्रकार से सार्वजनिक शौचालय में कहीं ना कहीं सफाई को लेकर एक काफ़ी दिक्कत सामने आती है। ऐसे में ये चमचमाते, चाहे मैं वॉशरूम्स की बात करूँ, वेटिंग रूम्स की बात करूँ, कब तक ऐसे चमचमाए रहते हैं ये बहुत बड़ी बात है। बहरहाल अभी तो शुरुआत भी इसकी यात्रियों के लिए बैठने के लिए नहीं हुई, लेकिन एक दो दिन में इस प्रकार से अधिकारी आदेश करेंगे, जल्द ही इनको खोल भी दिया जाएगा। लेकिन मेंटेनेंस इसका रखना, इसको मेंटेन करके रखना एक बहुत बड़ा कहने का कार्यभार अब काठगोदाम रेलवे स्टेशन के स्टाफ के पास है कि किस प्रकार की छवि हो, धूमिल ना हो, क्योंकि कहने का द्वार कहा जाता है कुमाऊं का काठगोदाम को। ऐसे में काफ़ी यात्री यहाँ से सफ़र करते हैं, अभी भी यहाँ पर शताब्दी एक्सप्रेस है वो खड़ी है। ऐसे में कहीं कई राज्यों से यहाँ लोग आते हैं, फिर कुमाऊं का द्वार कहा जाता है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं। ऐसे में छवि धूर्मिल ना करना, छवि को साफ सुथरा बनाए रखना काठगोदाम के लोगों के हाथ में है, यात्रियों के हाथ में है, पूरे स्टाफ के हाथ में है। रेलवे में बहुत बड़ा कहने का कारोबार इसके साथ बढ़ भी जाएगा, ताकि किसी प्रकार का जो खबर है नेगेटिव खबर ना बने, क्योंकि फिलहाल तो काफ़ी अच्छी साफ़ सुथरी और बेहद ही क्लीननेस के साथ, बेहद ही क्लैरिटी के साथ जो काम है वो किया जा रहा है। फिलहाल इस अपडेट के साथ इतना ही, कुछ और अपडेट आएगा ज़रूर आपको देंगे। जब ये खोला जाएगा तो उस वक्त भी कोशिश करेंगे कि जो रिपोर्ट है वो आपके सामने लाए, यात्रियों से कुछ बातचीत करें। बहरहाल जो शताब्दी है वो खड़ी है, सारे यात्री हैं वो एक्सप्रेस में ही है, प्लेटफॉर्म में हमें उतने यात्री मौजूद देखने को नहीं मिले हैं, नहीं तो हम उनसे बातचीत करते, लेकिन क्योंकि अभी वेटिंग रूम खुला नहीं है तो अभी उनसे बातचीत करना उचित नहीं होगा। जब वो सुविधाओं का लाभ लेंगे तब भी उनका रिव्यू ज़रूर लेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, अनुसहयोगी किरण के साथ पल्लवी, जे न्यूज़ हल्द्वानी, नमस्कार।